अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स अब 5 मंजिला इमारत में पूरी क्षमता के साथ संचालित होने लगा है। यहाँ मरीजों को बेहतर इलाज के साथ ही अच्छी सुविधा भी मिल रही है। फिलहाल 27 विभाग कार्यरत है, लेकिन अब यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी व सर्जरी तथा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग भी जून जुलाई में शुरू हो जाएगा। यह जानकारी एम्स की संचालक डॉक्टर विभा दत्ता ने बुधवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दी। एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की ओर से विदर्भ एसोसिएशन फॉर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की तीसरी क्षेत्रीय वार्षिक परिषद का आयोजन 8 से 10 अप्रैल तक किया गया। विभाग प्रमुख व आयोजन समिति सचिव डॉक्टर मीना मिश्रा ने बताया कि परिषद की थीम आदमी विरुद्ध माइक्रोबायोसिस है। कॉन्फ्रेंस में देश के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर मार्गदर्शन करेंगे। इसमें 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इस दौरान क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। उद्घाटन डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा आईएमए की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कैमिला रोड्रिक्स के हाथ होगा। ऑनरेबल डायरेक्टर मैडम, ये इसके ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन है, मैं इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और ये हमारा विदर्भ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। ये एक बहुत वाइब्रेंट बॉडी है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो बेसिकली ये बीएमएम की कॉन्फ्रेंस है, ये 3rd रीजनल माइक्रोबायोलॉजी कॉन्फ्रेंस है। इसके प्रेसिडेंट हमारे साथ में है डॉक्टर दिनेश अग्रवाल और सेक्रेटरी डॉक्टर श्वेता कावड़कर। फिर हमारे साथ हमारे पास प्रेसिडेंट और इस कॉन्फ्रेंस के जो साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन है वो डॉक्टर यज्ञेश ठाकर, वो अभी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमेशा ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन की होती थी, पर जब बात आई कि हम लोगों ने जब यहाँ पे होस्ट की तो यहाँ पर जैसे एम्स भोपाल से हम लोगों के पास में जब उनसे बात हुई थी, एक इनिशिएटिव आया कि वो एक वर्कशॉप लेना चाहते हैं एनरोबिक इन्फेक्शन पे, तो वो टीम तो एक हमारा उस पर प्री कॉन्फ्रेंस ये भी प्लान हो गया। फिर हमारे साथ में हमारे डीन एकेडमिक्स मैडम है डॉक्टर मृणाल फाटक मैडम। तो एक ऐसे बात करते करते ये हुआ कि एक लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, क्योंकि कोविड भी स्पेशली बहुत सारा स्ट्रेसफुल रहा है फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स और एक सबके लिए, तो मैडम ने एक बहुत अच्छा इसके बारे में एक पहल की। तो हमारा एक सीएमबी वो टॉपिक के ऊपर ऑर्गेनाइज हो गया। फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये एक बहुत बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम है, तो इस पे एक सीएमबी ऑर्गेनाइज होगी। और ये सब सीएमबीज की खासियत ये है कि इसमें जितने भी फैकल्टीज बाहर से आ रहे हैं तो दे आर कमिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, सब जितने भी रिनाउंड नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं। बता दें कि एम्स में आधुनिक सुविधाएं कराई गई है। फिलहाल ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वर्तमान में 1200 से 1500 तक ओपीडी हो गई है। नागपुर के साथ ही अब अन्य राज्यों की भी संस्था मरीज आने लगे हैं। कोविड काल में एम्स में 4 लाख नमूनों की जांच की गई। यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी व सर्जरी तथा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग भी शुरू होने जा रहे हैं। इससे मरीजों को और बेहतर सुविधा मिल सकेगी। तीनों विभाग शुरू होने के साथ ओपीडी और आईपीडी में भी मरीजों की संख्या बढ़ेगी। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज, नागपुर। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।